डिंडौरी में बस और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत के बाद तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल नाबालिग बच्ची की स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा डिंडोरी के धनवा सागर का है, जहां बस और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार भिड़ंत के बाद हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक महिला, पुरुष और बच्ची शामिल थे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ज्ञानवती सौर्या की मौत हो गई। साथ ही शिवकरण कोल की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दौरान हादसे में गंभीर रूप से घायल नाबालिग लड़की को जबलपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। जी हां, ग्राम धनवा सागर में आकाश ट्रेवल्स की बस और मोटरसाइकिल चालक के बीच टक्कर हो गई थी, जिसमें मोटरसाइकिल में बैठी हुई एक महिला और एक पुरुष की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। उनका PM करा दिया गया और जो घायल बच्ची थी उसको जबलपुर रेफर किया गया, जो वर्तमान में स्वस्थ है। घटना में प्रयुक्त बस को थाने परिसर में लाके खड़ा कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से FIR दर्ज कर योजना की जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।